ज़माने का करीब हो जाना नबी करीम सल्ला वसल्लम ने खबर दी है कि कियामत की अलामत में से ये भी है कि जमाना करीब हो जाएगा हज़रत अबू हरेरा रजील् फरमाते हैं कि रसोल्ला ने फरमाया ज़माना करीब हो जाएगा अमल कम हो जाएगा फितने जाहिर हो जाएंगे बहुल वहरस का दौर दौरा होगा हर्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा अरस किया गया रसूल रसूल्ला हर्ज किया चीज़ है फरमाया कत्ल वनरी जमाने के करीब हो होने के बारे में के अकवाल हैं इससे मुराद जमाने में बरकत का कम होना है और वो इस तरह के पहले दौर के लोग जो काम एक घंटे में कर लेते थे बाद के दौर वाले वो काम कई घंटों में भी न कर सकेंगे हाफिज़ इब्ने हजर अलैह फरमाते हैं कि ये सूरत हाल हमारे ज़माने में वाक़ हो चुकी है हम देखते हैं कि दिन रात ऐसी तेज़ी से गुज़र रहे हैं कि जमाने के पहले ज़माने में इस तरह न था नंबर दो इसका एक मतलब ये भी है अहल ज़माना ज़राए अबलाग और ज़मीनी व फ़िज़ाई सवारियों की कसरत के बायस एक दूसरे के करीब हो जाएंगे नंबर तीन इससे एक माना ये भी है कि जमाना हकीकी तौर पर बहुत तेज़ी से गुजरेगा और ऐसा आखिरी ज़माने में होगा इसलिए कि अल्लाह ताला दिनों को जिस तरह चाहता है छोटा बड़ा और रात दिन को जिस तरह चाहता है उलट पलट कर दे करता रहता है उसकी तइद इस हदीस से भी होती है जिसमें दजाल के ज़माने के अयाम की तवालत की खबर दी गई है कि इनमें से एक दिन साल के बराबर दूसरा महीने के बराबर और तीसरा हफ्ते के बराबर हो जाएगा दिन जिस तरह लंबे होंगे इसी तरह छोटे भी होंगे मगर ये अलामत हाल ज़ाहिर नहीं हुई हजरत अबू हरेर रजी अल्लाह त बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ने फ़रमाया सरमायामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ज़माना ख़रीब न हो जाए इस वक्त साल एक माह के बराबर होगा महीना जुमा के बराबर जुमा दिन के बराबर और दिन एक साथ के बराबर होगा और सात एक साथ ऐसी होगी जैसे आग का शुगला लपक कर बुझ जाता है नंबर चार तकारब जमान के बारे में एक कौल ये भी है कि इससे मुराद इंसान की उम्र का कम हो जाना है यानी कुर्ब क़यामत सबक आदार के बरहिलाफ उम्रें बहुत मुख्तसर होंगी क़्यामत के मजीद के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ वस्ता रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बरवक मौसूल हो शुक्रिया